जाहीर आभार, दिग्रस शहराचा ज्वलंत पाण्याचा प्रश्न येणाऱ्या 30 वर्षांसाठी सोडविल्याबद्दल माननीय नामदार श्री संजय भाऊ राठोड यांचे समस्त दिग्रसकरांकडून जाहीर आभार. नगर परिषद दिग्रस तर्फे महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत दिग्रस शहराची वाढीव पाणी पुरवठा योजना किंमत 43,79,00,000 च्या भूमिपूजन सोहळा शुक्रवार दिनांक 9 जून 2023 ला सायंकाळी 6 वाजता माननीय नामदार श्री संजय भाऊ राठोड, मंत्री अन्न व औषध प्रशासन तथा पालकमंत्री यवतमाळ व वाशिम यांच्या शुभ हस्ते संपन्न होत आहे. आपले विनीत शिवसेना दिग्रस शहर व तालुका. यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में पेयजल संकट से निपटने के लिए जिले के पालक मंत्री, विधायक तथा अन्न और औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठौर ने दिग्रस नगर पालिका को अतिरिक्त पेयजल योजना के लिए 43,79,00,000 रुपए का निधि उपलब्ध कराया है. इस योजना का उद्घाटन शुक्रवार यानी आज शाम 6 बजे दिग्रस पालिका के प्रांगण में खुद संजय राठौर के हाथों होने जा रहा है. मालूम हो कि दिग्रस शहर के करीब बरसों से अरुणावती बांध है, वहीं नगर परिषद दिग्रस का नांग गवाहन बांध भी है. फिर भी शहर में सप्ताह में केवल एक बार पेयजल पूर्ति की जा रही है, जिसकी वजह से दिग्रस वासियों को गर्मी के दिनों में भीषण जल संकट से जूझना पड़ता है. इस समस्या के पूर्ण समाधान के उद्देश्य से मंत्री संजय राठौर ने पेयजल पूर्ति योजना के महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नागरोत्थान अभियान के अंतर्गत तत्काल रूप से लगभग 44 करोड़ की निधि उपलब्ध कराई है, जिसके तहत 5 उत्सर्ग कुएं, एक्सप्रेस फीडर, 2 वाटर फिल्टर प्लांट, 2 सौर ऊर्जा संयंत्र, 60 किलोमीटर जल वितरण पाइपलाइन जैसी स्वचालित व्यवस्था से परिपूर्ण योजना को साकार किया जाएगा, जिसके चलते दिग्रस वासियों की भविष्य में आगामी 30 सालों की पेयजल समस्या का समाधान होगा. सूत्रों ने बताया कि 2 सालों के भीतर यह योजना साकार होगी. इस योजना से नांगवाहन और अरुणावती बांध के पानी का शहर वासियों को पर्याप्त रूप से वितरण किया जाएगा. शुक्रवार शाम 6 बजे नगर पालिका में इस योजना का भूमि पूजन पालक मंत्री संजय राठौर के हाथों होगा. NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट.